हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्किट्स ट्यूटोरियल। मैं राम केवल आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं साइड स्टोरी में दूसरे चैप्टर की। जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रोस सेक्शन का पहला चैप्टर साइड स्टोरी का मैंने क्वेश्चन आंसर डाल दिया है, ठीक है, जो जिसका नाम है कि द गोल्ड वॉच। आज हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर की, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसके राइटर हैं आर के नारायण, जो कि एक इंडियन राइटर हैं और काफ़ी फेमस भी हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड भी है। तो इसमें कुल मिलाकर के 11 क्वेश्चन हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप आठ नंबर अगर पक्का करना चाहते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि कम से कम चार नंबर हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, क्योंकि मैं इंग्लिश से संबंधित सारे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। यूपी बोर्ड का जो भी हाई स्कूल और इंटर का सिलेबस है मैं लगभग कवर कर दिया है और जल्दी ही कवर हो जाएगा। तो अगर आप यूपी बोर्ड स्टूडेंट हैं तब भी, मैंने पॉलिटेक्निक के भी सिलेबस को कम्प्लीट कर दिया है। तो अगर पॉलिटेक्निक के सिलेबस संबंधित आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम है या फिर पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी, या फिर आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं वीडियो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रामर के वीडियोस भी अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो अगर आप या फिर आपका कोई फ्रेंड इससे लाभान्वित होता है तो उसको प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब आप बात करते हैं हम इस वीडियो की। तो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का शॉर्ट आंसर पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर। ये क्वेश्चन जो है 2012, 14 और 17 तीनों में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी क्वेश्चन को फिर 2018 में दूसरे ढंग से पूछा कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स एडवाइस टू द स्ट्रेंजर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड द स्ट्रेंजर नॉट टू ट्रेवल साउथवर्ड, ठीक है, दक्षिण की तरफ उसको ट्रेवल करने से मना किया, ठीक है, सलाह दी, बिकॉज ही यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर है शायद डेंजर ऑन हिज लाइफ, वो बताता है कि मैं तुम्हारे जीवन पर खतरा देख रहा हूँ, तो अगर तुम दक्षिण की तरफ यात्रा करते हो तो तुम्हारे जीवन को खतरा होगा, ठीक है, ट्रेन पकड़ो और चले जाओ, कभी दोबारा इधर मत आना। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग, अपनी जीविका वो कैसे कमाता है और व्हाई वाज ही फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी, और अपनी पहचान छुपाने के लिए वो बाधित क्यों था, ठीक है। ये क्वेश्चन 2009 और 18 दोनों में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, द एस्ट्रोलॉजर अर्नड हिज लिविंग अंडर अ टैमरिन ट्री, वो कहाँ कैसे कमाता था, एक इमली के पेड़ के नीचे वो अपनी जीविका कमाता था। ही बी फूल्ड हिज कस्टमर्स एज ही हैड नो नॉलेज अबाउट द स्टार्स, उसको ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था, वो अपने कस्टमर्स को मूर्ख बना करके कमाता था पैसे, लेकिन वो उसके लिए लायक था, ठीक है, एलिजिबल था पैसे के लिए, क्योंकि उनको सेटिस्फाई करने में जो वो मेहनत करता था उस मेहनत के लिए ही वो पैसा लेता था। काफ़ी अच्छा खासा उसको मेहनत करना पड़ता था जज करने में, कस्टमर को पहचानने में, ठीक है। नेक्स्ट इसका, ठीक है, ही वॉज फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी, दूसरा भी क्वेश्चन है इसमें कि वो अपनी पहचान क्यों छुपाने के लिए बाधित था। तो ही वॉज फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी बिकॉज ही वॉज अ वॉन्टेड मैन, क्योंकि उसने खून किया था तो इसलिए आइडेंटिटी छिपाना तो उसका मजबूरी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रीड ऑफ द स्ट्रेंजर, कैसे वो स्ट्रेंजर से अजनबी से छुटकारा पा सका। ये क्वेश्चन भी 2010, 12 और 15 में पूछा गया, फिर 2018 में दूसरे तरीके से पूछा गया कि हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रीड ऑफ द फियर ही वॉज ट्रबल्ड विथ, जिससे वो जिस डर से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उससे उसने कैसे छुटकारा पाया, मतलब अजनबी से कैसे छुटकारा पाया। इसमें ध्यान दीजिएगा स्ट्रेंजर वर्ड नहीं आया हुआ है, तो ये इस तरह से पूछता है तो ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आंसर कैसे लिखेंगे, द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी गॉट फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ रिवेंज एंड पनिशमेंट, ठीक है, बिकॉज ही हैड नो एविल
इंटेंशन अगेंस्ट गुरु नायक, उसका कोई उस गुरु नायक के खिलाफ कोई ऐसा बुरा काम करने का या फिर उसकी जान लेने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस वो उन लोगों ने शराब पी थी और झगड़ा किया था, तो इसलिए कावे में और नशे की हालत में ऐसा हो गया था गलती, ठीक है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेक एनी रिवेंज और पनिश गुरु नायक, तो वो उसको पनिश नहीं करना चाहता, ही जस्ट वॉन्टेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गुरु नायक, ठीक है, हु केम टू हिम एज अ कस्टमर, और वो सिर्फ और सिर्फ गुरु नायक से खुद को बचाना चाहता था जो कि उसके पास एक कस्टमर के रूप में आया था। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन होगा कि वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकम नर्वस आफ्टर सीइंग द कस्टमर, कस्टमर को देखने के बाद अचानक से वो नर्वस क्यों हो गया। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है और इसी क्वेश्चन को दोबारा से 2017 में पूछा गया है दूसरे ढंग से कि व्हाट मेड द एस्ट्रोलॉजर फील अनकंफर्टेबल, क्यों वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। तो जब द एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकम नर्वस आफ्टर सीइंग द कस्टमर बिकॉज ही रिकॉग्नाइज द कस्टमर, रिकॉग्नाइज दैट द कस्टमर वॉज गुरु नायक, जान गया कि ये गुरु नायक है और इसी को मैंने होम ही हैड स्टैब्ड एंड पुश्ड इनटू अ वेल, जिसको मैंने चाकू मारा था और कुएं में ढकेल दिया था, तो इस वजह से वो क्या हो गया एकदम से नर्वस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड वन इवनिंग व्हेन ही व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि जब वो घर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो क्या हुआ। तो ऑन वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम ही केम अक्रॉस गुरु नायक हु हैड कम टू हिम एज अ कस्टमर, वो गुरु नायक से मिला जो कि एक कस्टमर के रूप में उसके पास आया था और यह वही व्यक्ति था जिसको जिसकी वजह से उसको गांव छोड़ना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई हैड द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज, ठीक है, तो ये भी उसी में जुड़ा हुआ है लगभग, लेकिन दूसरी तरह से इसका क्वेश्चन पूछा गया 2013 और 15 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि क्यों एस्ट्रोलॉजर ने अपना गांव क्यों छोड़ा। तो द एस्ट्रोलॉजर हैड लेफ्ट हिज विलेज बिकॉज वन डे ही गॉट ड्रंक एंड स्टैब्ड हिज कंपेनियन गुरु नायक एंड पुश्ड हिम इनटू अ विलेज सॉरी वेल पुश्ड हिम इनटू अ वेल, उसको एक दिन उन लोगों ने शराब पिया और आपस में झगड़ा किया, उसको चाकू मार करके गुरु नायक को कुएं में ढकेल दिया, इस वजह से उसको अपना गाँव छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ आफ्टर डिनर, डिनर के बाद ज्योतिषी ने अपनी बीवी को क्या बताया, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर टेकिंग डिनर आंसर होगा कि आफ्टर टेकिंग डिनर द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिज वाइफ द रीजन ऑफ हिज बीइंग लेट, उसके लेट होने का कारण उसने खाना खाने के बाद बताया। ही रिवील्ड दैट द बर्डन ऑफ अ मर्डर हैड गॉन फ्रॉम हिज हेड, उसके सर पे जो एक खून का बोझ था, ठीक है, वो अब समाप्त हो गया है, उसको छुटकारा मिल गया है उससे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मैन द स्ट्रेंजर वाज, किस तरह का आदमी था वो। तो द स्ट्रेंजर वाज अ स्ट्रांग डोमिनेंट एंड अग्रेसिव पर्सन, वो बहुत ही ताकतवर दिखने वाला गुस्से वाला आदमी था, ठीक है, आक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट वाज द लाई स्पोकन बाय द एस्ट्रोलॉजर टू द स्ट्रेंजर, वो झूठ क्या था, झूठ क्या बोला स्ट्रेंजर से उसने। तो द लाई दैट द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द स्ट्रेंजर वाज दैट द मैन हु हैड अटेम्प्टेड टू किल हिम हैड डाइड अंडर अ लॉरी अबाउट 4 months ago, सिर्फ और सिर्फ एक झूठ बोला उसने कि उसका जो भी जिसको तलाश रहा है जिसको ढूंढ रहा है वो तो मर गया जबकि वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हाउ हैड द स्ट्रेंजर चीटेड द एस्ट्रोलॉजर, कैसे उसने चीट किया, तो कम पैसा देकर के। द स्ट्रेंजर हैड चीटेड द एस्ट्रोलॉजर बाय पेइंग हिम 12.5 आना इंस्टीड ऑफ 16 आना 1 rupees, मतलब वो 1 rupee में 16 आना होता है, तो 1 rupee तय हुआ था लेकिन उसने 12 आना दिया, 12.5 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर गेट रीड ऑफ हिज लोड ऑफ एंग्जायटी, अपनी जो चिंता थी उससे कैसे छुटकारा पाया ज्योतिषी ने। तो एस्ट्रोलॉजर हैड स्टैब्ड एंड पुश्ड द मैन इनटू द वेल टू किल हिम, देयर आफ्टर ही हैड लेफ्ट हिज विलेज टू एस्केप द चार्ज, ठीक है, एंड द पनिशमेंट फॉर द मर्डर, उसने एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की थी, गुंड कर दिया था, इसलिए उसने अपना गांव छोड़ दिया था ताकि उसके ऊपर इसका इल्जाम ना आए, ठीक है, बचने के लिए।
But on meeting the stranger, the astrologer discovered that the man was not dead. उसको पता चला उसके मिलने के बाद, इस अजनबी से मिलने के बाद उसको पता चला कि वो आदमी तो मरा ही नहीं. तो having discovered him alive, the astrologer got rid of his load of anxiety. उसकी जो चिंता का विषय था कि उसके ऊपर एक खून है, एक आदमी का खून है, ठीक है, वो चिंता खत्म हो गई. वो तो आदमी तो जिंदा था. तो ये रहा आपका An Astrologer's Day by आरके नारायण. होप यू एंजॉय इट. अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए, ठीक है. और हाँ, कमेंट, अगर आप जो भी आपको लगता है इम्प्रूवमेंट, तो आप उसके लिए कमेंट कर